बॅडमिंटन प्लेअर ज्वाला गुट्टा कोच पी गोपीचंदवर लावलेल्या आरोपांवर अजूनही ठाम आहे. याबाबत तिच्याशी बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी मेघा कुचिक यांनी. बोल्ड अँड ब्युटिफुल, सेन्सेशनल अँड कॉन्ट्रावर्शियल बॅडमिंटन क्वीन ज्वाला गुट्टा आपल्याबरोबर आहे. आपण तिच्याशी सेम बातचीत करूया. ज्वाला, सबसे पहिली बात वर्ल्ड चॅम्पियनशिप की किस तरह की तयारी होगी, सीडिंग मिल गई है, कितना चैलेंज है, मेडल पक्का मान जाए? चैलेंज तो डेफिनेटली है, इट्स नॉट गोना बी ईजी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड. दिस इज द फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इंडियन हिस्ट्री में वुमेन डबल्स को सीडिंग मिली है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड आवर परफॉर्मेंस, सो आई एम वेरी हैप्पी. गोपीचंद के बारे में भी आपने बोला था कि पार्शलिटी की जाती, लेकिन गोपीचंद ने उस आरोपों का खंडन किया, लेकिन आप अभी भी उस आरोपों के ऊपर कायम हैं? नहीं, दैट्स हिज, दैट्स हाउ ही डिफेंडेड हिमसेल्फ, बट दैट्स ओके. आई नो व्हाट आई सेड, उन्हें भी पता है मैंने क्या एग्जैक्टली बोला है, बट या व्हाट आई सेड इज व्हाट आई सेड. आई हैव नो, आई एम नॉट टेकिंग बैक एनीथिंग. ज्वाला, आपके परफॉर्मेंस से भी आप, आपके स्टेटमेंट हो, आपकी ग्लैमरस पर्सनालिटी हो, आउटस्पोकन हो, इसके लिए आप ज़्यादा चर्चा में रहती है, इसका असर आपके परफॉर्मेंस को या आपके ऊपर इंडिविजुअली कुछ होता है? आई थिंक मैं परफॉर्म नहीं करती तो शायद कोई मेरे बारे में बात भी नहीं करता. सो आई थिंक इट्स बैडमिंटन फर्स्ट, डेफिनेटली. मैं परफॉर्म करती हूँ, उसके बाद मैं कुछ बोलती हूँ इज बिकॉज फॉर बेटरमेंट ऑफ द स्पोर्ट. एंड क्योंकि हमारे यहाँ आई थिंक हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में जो जीतता है शायद उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं लोग. सो आई टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू टेल कि और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है फॉर द स्पोर्ट्स टू कम अप इन द कंट्री. सो देर इज़ नथिंग एल्स टू इट. आई हैव प्लेड, आई एम अ रेप्यूटेड प्लेयर, मैं बहुत खेल चुकी हूँ. आई माइट रिटायर, यू नो, सून, और आई कॉन्ट प्ले फॉर 10 मोर ईयर्स. यू नो वॉट आई से विल बेनिफिट द अपकमिंग प्लेयर्स. धन्यवाद आमसे बातचीत के लिए. तर बिंधास्त वाला ज्वाला गुट्टाचं हेच म्हणणं आहे की केवळ बॅडमिंटनच्या विकासासाठी आपण आवाज उठवतो आणि आपल्यावर टीकेचा आपल्यावर काहीही परिणाम होत नाही. व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्रीनिवासनसह मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.